Hey champs, if you're feeling unprepared for exams, then nothing to worry about. Just download the Vidushi Commerce Classes app from Android Play Store, where you can find all our courses for all the three subjects with full syllabus coverage. The link of the app is in the description below. Do check it out. And now on to today's video. हेलो चैम्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में मैं आपके साथ क्विकली डिस्कस कर रही हूँ कि बिजनेस स्टडीज़ के प्रैक्टिकल के लिए आपको कैसे पढ़ के जाना है। आपको पता है कि 12 मार्क्स की आपकी फाइल होगी और 8 मार्क्स का आपका वाइवा होगा। फाइल तो आपने बना ली होगी। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो आपकी फाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछते हैं, बट हम टीचर को रोक नहीं सकते। वो हमसे वैसे तो कुछ भी पूछ सकते हैं जो आपके सिलेबस में है, राइट। प्राइमरीली आप अपनी फाइल वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाएंगे। जैसे अगर आपका प्रोजेक्ट मार्केटिंग से रिलेटेड है तो ऑफकोर्स मार्केटिंग चैप्टर, स्टॉक एक्सचेंज पे प्रोजेक्ट बनाया है तो फाइनेंशियल मार्केट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे बनाया है तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाला चैप्टर इन एंड आउट पढ़ के जाएंगे, और बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो बिजनेस एनवायरनमेंट। बट अदर देन दीज, वैसे आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए आप अपने पूरे सिलेबस की। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में से कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से भी इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। ओके, तो मान लीजिए आपने मार्केटिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाया है तो आपने एक प्रोडक्ट चूज किया होगा, उसका कोई नाम भी रखा होगा, उसका प्राइस डिसाइड किया होगा, टैगलाइन होगी, यूएसपी होगी, पैकेजिंग लेबलिंग के बारे में बातें की होंगी। तो वो आपसे ये सब पूछ सकते हैं कि व्हाई हैव यू चोजन दिस प्रोडक्ट, आपके टैगलाइन क्या है, कि आपने स्वॉट एनालिसिस किया है, दैट इज स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, आपके कंपेटिटर्स कौन है, आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट किया है, आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, आपका सेलिंग प्राइस कितना है फॉर कंज्यूमर, होलसेलर, रिटेलर, एंड इवन आपके कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। देन आपके प्रोडक्ट की खास बात क्या है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यूएसपी क्या है, आपके प्रोडक्ट का जो मार्क या लोगो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देन आपने यही प्राइस क्यों सेट किया, तो और या फिर प्राइस सेट करने से पहले आप ने किन फैक्टर्स को स्टडी किया, जैसे आपकी बुक में है भी, प्रोडक्ट कॉस्ट, यूटिलिटी एंड डिमांड, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस, मार्केटिंग मेथड्स यूज, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, ठीक है, ये सब अच्छे से पता होने चाहिए। हाउ विल यू प्रमोट योर प्रोडक्ट, आपने प्रमोट कैसे किया है, प्रमोशनल टूल्स की बात, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या यूज़ किया, 1 level, 2 level, 3 level, ठीक है, ये पता होना चाहिए, और ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज़ किया है। पैकेजिंग और लेबलिंग के बारे में पूछ सकते हैं, आपके प्रोडक्ट के मार्केट क्या होती है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है, व्हाट कैन बी मार्केटेड, ठीक है। देन मार्केटिंग और सेलिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है, एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी में बेसिक डिफरेंस क्या है। वैसे तो पब्लिसिटी आपके सिलेबस से अब हट चुका है, बट यू कैंट स्टॉप देम, वो पूछ सकते हैं। ओके, ब्रांड नेम क्या होता है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या होते हैं, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती है, प्राइस स्कीमिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग, फुल फॉर्म ऑफ FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट कौन है, फिलिप कोटलर, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, जैसे आजकल हम प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं यूजिंग सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। चांस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, सेल्स प्रमोशन क्या होता है, पर्सनल सेलिंग क्या होता है, और पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजिंग में क्या डिफरेंस है, जैसे ये आपका इस बार के सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन आया है। मार्केट ऑफरिंग क्या होती है, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग क्या होते हैं। चलिए चैम्स देख लेते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो क्या पूछ सकते हैं, प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है दोनों में, प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम क्या होता है, न्यू इश्यूज मार्केट, सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज, मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शंस ऑफ सेबी वेरी इंपॉर्टेंट, सेबी कब फॉर्म हुआ था, वैसे तो 1988 में, बट इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था 1992 में। स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था मतलब इसके लिए एक एक्ट क्रिएट किया गया था, सेबी एक्ट 1992। फुल फॉर्म ऑफ NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स स्टॉक एक्सचेंज, सेंसिटिव इंडेक्स निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50, दिस इज द फुल फॉर्म, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेंसेक्स है वो इंडेक्स है BSE का, निफ्टी जो इंडेक्स है वो NSE का इंडेक्स है। सेंसेक्स में मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड 30 कंपनीज के स्टॉक की एवरेज निकाली जाती है, और निफ्टी में मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड 50 कंपनीज के स्टॉक्स की एवरेज निकाली जाती है। आई होप आपको ये पता है। मिड कैप और लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप होता है मीडियम साइज्ड कंपनीज, और लार्ज कैप होता है लार्ज साइज्ड कंपनीज। यहाँ पे कैप का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। तो जिस कंपनी का जितना ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उसको हम कैटेगराइज करते हैं कि ये मिड कैप कंपनी है, ये लार्ज कैप कंपनी है। व्हाट इज स्पेक्यूलेशन,
who's a bull, who's a bear, bullish market, bearish market, NYSE, New York Stock Exchange, bridge financing क्या होती है, जब companies के पास flotation cost meet करने के लिए भी पैसा नहीं होता, then they issue commercial paper, that is called bridge financing. सर्किट कब अप्लाई करते हैं, व्हेन देयर इज अ सब्सटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज. फाइनेंशियल मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज में से ब्रॉडर टर्म कौन सा है, ऑब्वियसली फाइनेंशियल मार्केट ब्रॉडर टर्म है क्योंकि ये दो तरह का होता है, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए, जिसमें से कैपिटल मार्केट आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, और वो जो सेकेंडरी मार्केट है वो स्टॉक एक्सचेंज है. तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ ब्रॉडर टर्म और स्टॉक एक्सचेंज बस उसका एक पार्ट है. वॉरेन बफे ऑफ इंडिया या बिग बुल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, राकेश झुंझुनवाला. राइट्स इशू क्या होते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है, या मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन जो आपकी बुक में है 5, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट्स इशू और EIPOs. बोनस शेयर्स क्या होते हैं, प्रोरेटा अलॉटमेंट क्या होती है, EPS कैसे कैलकुलेट की जाती है, अर्निंग पर शेयर. दलाल स्ट्रीट क्या है, दलाल स्ट्रीट जहाँ पे BSE लोकेटेड है, मुंबई में जहाँ BSE लोकेटेड है. अगर आप डिविडेंड पे करते हो तो इसका शेयर प्राइस पे क्या फर्क पड़ता है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, शेयर प्राइस बढ़ता है. ये वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, निफ्टी इज द इंडेक्स ऑफ NSE, सेंसेक्स इज द इंडेक्स ऑफ BSE, ये 50 कंपनीज का एक कॉम्बिनेशन होता है और ये 30 कंपनीज का. फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, इट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. सो चैम्स, आई होप यू गेट द आइडिया. ओके, अगर आपका प्रोजेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है, क्या फ्योल और टेलर के प्रिंसिपल्स में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, यस. जैसे फ्योल कहते हैं कि एक पर्सन को एक ही बॉस से ऑर्डर्स मिलने चाहिए इन यूनिटी ऑफ कमांड, बट टेलर की जो टेक्निक्स हैं, यहाँ पे वैसे आप टेक्निक समझ लीजिए, टेलर की जो टेक्निक्स हैं फंक्शनल फोरमैनशिप, उसमें वर्कर को 8 स्पेशलिस्ट से ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं, तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. क्या इनके प्रिंसिपल्स में कुछ सिमिलैरिटी भी है, यस, काफ़ी सिमिलैरिटी है. गिव एग्जाम्पल, जैसे फ्योल भी कहते हैं कि हमें वर्कर्स की सजेशंस लेनी चाहिए, एम्प्लॉयज की सजेशन लेनी चाहिए, कहाँ कहते हैं, इनिशिएटिव में. और टेलर भी कहते हैं कि हमें एम्प्लॉयज़ की सजेशन लेनी चाहिए, हमें अपने कान बंद नहीं कर लेने चाहिए अगर एम्प्लॉय कोई सजेशन दे रहा है, कहाँ कहते हैं, कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म में. फ्योल भी कहते हैं कि जो एम्प्लॉय आप सिलेक्ट करते हो उसको ड्यू एंड रिग्रेस प्रोसीजर के बाद ही सिलेक्ट करना चाहिए, कहाँ कहते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में. टेलर भी कहते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, कहाँ कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. प्रिंसिपल्स ऑफ फ्योल, वो कहेंगे सुनाने लग जाओ लाइन में, 14 प्रिंसिपल्स होते हैं, लाइन में सुनाने लग जाना, ठीक है. मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है, टेलर ने दिया है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का पार्ट है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन द थिंकिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कौन है, हेनरी फ्योल. फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, FW टेलर. गैंग प्लैंक कब यूज किया जाता है, डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम क्या होता है, टाइम स्टडी मोशन स्टडी में क्या डिफरेंस है, स्पेशलाइजेशन कैसे आती है, डिविजन ऑफ वर्क से आती है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड में क्या डिफरेंस है, कौन सा बेटर है, सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन. आप कहेंगे इट डिपेंड्स, जनरली फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन इज फाइन, एंड फॉर अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन. हमारी कंट्री में अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम देखें तो क्या फॉलो किया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन. जैसे पंचायत एट द विलेज लेवल, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. रिप्लेसिंग आई विद वी कौन से प्रिंसिपल में है, एस्पेरे डी कॉर्प्स. चैम्स, अगर आपको प्रिंसिपल्स एक बार क्विकली रिवाइज करने हैं विद द कीवर्ड्स, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप फ्योल के सारे प्रिंसिपल्स क्विकली रिवाइज कर सकते हैं. एग्जेम्पलरी बिहेवियर अगर मैनेजर शो करेगा तो उसका स्टेचर बढ़ेगा इन द आईज ऑफ द मैनेजमेंट. तो ये है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. देन टेलर और फ्योल के प्रिंसिपल्स में जो डिफरेंस आपकी बुक में NCERT में एंड में दिया हुआ है वो भी आप करके जाएंगे. और चैम, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन चूज की होगी और आपने ये कहा होगा कि मैं इस स्टोर में मैंने विजिट किया है और मैंने देखा है कि वहाँ पे प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं या नहीं, तो आप बताएंगे कि कौन से स्टोर में, पूछ सकते हैं वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपने चूज की है, जैसे डोमिनोज पिज्ज़ा, कौन से आउटलेट में आपने विजिट किया, वहाँ पे कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे थे, कौन से अप्लाई नहीं हो रहे थे, क्यों अप्लाई नहीं हो रहे थे, क्यों अप्लाई हो रहे थे, ये सब तो आप प्रोजेक्ट से ही पढ़ के जाएंगे. ओके, और शाम जिनका प्रोजेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट पे है, तो इसमें तो टोटल एक्चुअली 12 टॉपिक्स हैं जिसमें से आपको एक डिसाइड करना है, तो ये बिल्कुल ही स्पेसिफिक हो जाता है. आप अपने प्रोजेक्ट से ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे और वो कुछ भी पूछ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, चेंजेस विटनेस्ड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑन मोड ऑफ पैकेजिंग एंड इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट.
तो ये पूछ सकते हैं कि आपने किस प्रोडक्ट की पैकेजिंग से रिलेटेड बातें की हैं, हाउ द पैकेजिंग हैज चेंज, और जो भी कंटेंट आपने प्रोजेक्ट में लिखा है वो आप उससे वेल अवेयर होने चाहिए. ओके चैम्स, तो कंक्लूजन ये है कि आप अच्छे से पढ़ के जाइए, कॉन्फिडेंटली आंसर करिए, तो आपके ज़रूर 20 on 20 मार्क्स लग जाएंगे. ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी तक आपने प्री बोर्ड्स भी दे दिए हैं, इतनी तैयारी हो जाती है कि हाँ आपको एक जनरल आइडिया भी है अपने पूरे सिलेबस का और प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आप पढ़ के जा ही सकते हैं. सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, एंड आई एम श्योर आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होगा, और जब हो जाएगा तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस वीडियो ने आपको हेल्प किया या नहीं. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.